धार के बाघ टांडा रेंज में वन विभाग की टीम ने करीब 4.5 साल की मादा तेंदुआ को पकड़ा। ये मादा तेंदुआ आदमखोर है और उसने बीते दिनों कुछ लोगों पर हमला भी किया। वन विभाग की टीम इसे लेकर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय पहुंची, जहां इसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। धार के बाघ टांडा रेंज में 4.5 साल की मादा को रेस्क्यू किया है। ये मादा तेंदुआ क्षेत्र में दहशत का कारण बनी हुई थी, जो अब तक कई लोगों पर हमला कर चुकी है। बीते दिनों इस तेंदुए ने एक नन्ही बच्ची पर हमला किया था, जिसके बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और तेंदुए को पकड़ने के लिए विभाग ने एक ट्रैप बिछाया। बीती रात ये तेंदुआ पिंजरे में आया। वन विभाग की टीम इसे रेस्क्यू कर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय लेकर आई है, जहाँ इसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। देखिए, धार के जो वहाँ की जो रेंज है बाघ के आसपास की, वहाँ से इसको रेस्क्यू किया था। ये फीमेल लेपर्ड है, करीब 4.5 साल एज है इसकी, और वहाँ से इसको ट्रिप केज लगा के पकड़ा गया था। कई कुछ दो तीन घटनाएं शायद इसने की थी, इसी को लेके इसको ट्रिप किया था। ट्रिप करने के बाद कल रात को 10-11 बजे करीब जू लेके आए थे इसका फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, और आज ही मैंने उसका पूरा एग्जामिनेशन किया। करीब जो हमारा एग्जामिनेशन केज रहता है उसमें लिया उसको, और फिर सारा था। और एग्जामिनेशन करने के बाद उसको वापस वाइल्ड में रिलीज करने के लिए मैंने एडवाइस दी है, क्योंकि फिजिकली वो पूरी तरह से फिट है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका एग्रेशन भी उसी तरह का जिस तरह का एक वाइल्ड लेपर्ड का होता है, और कोई किसी भी तरह की इंजुरी नहीं है। सारे उसके क्लास, उसके अपर लोअर कैनाइन सारे इंटैक्ट हैं, तो उसको जो उसका एग्रेशन है, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो भी उसी तरह से बना हुआ है, तो उसको निश्चित रूप से वाइल्ड में रिलीज किया जा सकता है। तो ये मैंने एडवाइस भी किया है। ये तेंदुआ धार डिवीजन के टांडा रेंज में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, एक बच्चे पे हमला किया था। तो वहाँ पर कंपार्टमेंट नंबर 84, 85, 86 में 3 पिंजरे लगाए थे घटना स्थल के पास ही। तो 85 और 86 की सीमा पे जो पिंजरा लगा था, उसमें ये कल शाम को 6 बजे खेत में आया है। इसकी अभी पिछली घटना तो एक बच्ची की है, उससे पहले एक दो घटनाएं और हुई है, तो इस तरह से अभी 3 घटनाएं हुई है। हाँ, वो 2 साल की बच्ची थी वर्षा नाम की, तो उसको उठा के वो नाले में ले गया था। पर लेकिन 5-1 मिनट बाद गांव वालों ने सबने शोर मचा के पत्थर वत्थर मार के वो बच्ची को छुड़ा लिया था। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसके रास्ते में या जब डॉक्टर तक पहुंचे तो उसको मृत घोषित किया। इसको अभी डॉक्टर से यहाँ पे जू में डॉक्टर ने परीक्षण किया है, तो तेंदुआ फिट है, स्वस्थ है, और उनका ओपिनियन है कि इसको अपने नेचुरल वातावरण में जंगल में ही छोड़ा जाए। बाघ टांडा क्षेत्र में पहले भी तेंदुए का मूवमेंट रहा है। ऐसे में जब लगातार घटनाएं हुई तो लोगों को समझते देर नहीं लगी कि क्षेत्र में तेंदुआ है। फिलहाल जहां खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं जू प्रबंधन के अनुसार मादा तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।